हाँ दोस्त हाँ ठाकुर दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ना थोड़ा अभी माहौल करना चालू करो। मतलब क्या, अभी थोड़ा सा मेरे को कमेंट विमेंट उतने तगड़े नहीं आ रहे हैं, तो मेरा भी जोश नहीं तो ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें कमेंट खूब करो, और ये वीडियो जो है आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इसमें मैं अपने ज़िंदगी के जो रहस्य हैं 50 सालों के, वो सब डाल रहा हूँ और बात करने वाला हूँ फॉलोअप के ऊपर में। लोग जो है 80% काम कर लिया, लीड जनरेट की, प्रॉपर्टी फाइंड आउट की, गए विजिट कराया, मतलब सब कुछ उसको पसंद आ गया, लेकिन वो कम गिरते हैं तो फॉलोअप में कम गिरते हैं। 20% काम बाकी है अभी फॉलोअप पर, 80% रिजल्ट किस में है? फॉलोअप में। आपने 80% तो कर दिया ना, कितना मुश्किल है यार एक जेन्युइन लीड आना, फिर उसको जाना, दिखाना, ये सब पसंद भी आ गया, अब क्लोजिंग नहीं कर पा रहे हो आप। फॉलोअप क्लोज, वहां पे दिक्कत है। इसमें मास्टरी कर ली, आपका बिजनेस 10 टाइम बढ़ सकता है। चलो इमिडिएटली डबल तो हो जाएगा, एकदम पहले दिन परफेक्ट नहीं होंगे, पर एक एक बात को ध्यान से सुनना, उसके नोट्स बनाना। तो ऐसी 5 बातें बताऊंगा कि ये फॉलोअप में आप ऐसे ही ध्यान देना बस। पहली बात है, ये दिमाग में डाल लो कि हम सामने वाले को हेल्प कर रहे हैं घर पाने के लिए। वी आर हेल्पिंग देम टू बाय द हाउस, नॉट सेलिंग देम। वी आर एजुकेटिंग देम। देखो बड़ी बड़ी जो फर्म है ना, वो कंसल्टेंट बोलते हैं या एडवाइजरी बोलते हैं, रियल स्टेट एडवाइजरी, मतलब एडवाइस देते हैं, सलाहकार हैं हम। और इसको लोग क्या सोचते हैं, सेल करने का बिजनेस है। वो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है, किसी भी क्लाइंट को सेल किया जाना पसंद नहीं होता। उसको लगता है चिपका दिया इसने भाई ने, मेरी जरूरत क्या थी, उसके जगह इसको कन्विंस करके ये ले लो, ये अच्छा है, क्योंकि इसको शायद इसमें ब्रोकरेज ज्यादा मिल रहा होगा, वही चीज ये बातें कर रहा है मेरे साथ। मैंने आज तक ऐसा नहीं किया। मेरे को कितने तो भी कभी कभी, क्योंकि 10 आएंगे तो कुछ शरीफ भी होते हैं, कुछ थोड़े से होशियार भी होते हैं, कोई नॉर्मल होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, बट बॉस मैंने कभी किसी को कुछ चिपकाने की कोशिश नहीं की, सेल करने की कोशिश नहीं की। उनको मैं सही सलाह देता हूँ कि क्या बेटर रहेगा उस बजट में, कौन सा लोकेशन अच्छा रहेगा, अगर इन्वेस्टर है तो कहाँ पे, जो मुझे जितना भी है मैं बेस्ट अपना देता हूँ। तो पहली चीज सोचो, हेल्प करना है, आप दुनिया को हेल्प करो और पैसे मिले, अच्छी बात है ना, क्यों सेल्स की बात करना है। ये जब आपका सोच रहेगा तो ये समझ में आता है सामने वाले को, आपके बॉडी लैंग्वेज में झलकता है, वो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, नहीं तो वो फिशी लगता है कि कब ये लिख दे चेक और फट से, वो वाला नहीं होना चाहिए। मुंह मेरा आम बगल में छुरी, तो कैसा है वो, ऐसा दिख के आना चाहिए उसको। मैं सही, मेरा ब्रोकरेज बाद में, पहले उसका ये फर्स्ट। सेकेंड क्या करने का, सेकेंड उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करने का, गिव देम मोर इंफॉर्मेशन। आप देखो उसकी चाहत जो है बढ़ती रहती है। जैसे मेरे को किसी ने बताया कि एक मूवी आई है वो देख ले, शायद मैं बोलूंगा ठीक है सोचता हूँ, तो उसने जैसे इन्फॉर्म किया, लेकिन प्रमोट करने बोलेगा उसमें देख, उसमें ये गाना है, उसकी स्टोरी ऐसी इतना भारी है, ये है पिक्चराइजेशन, म्यूजिक, ये जितना बताएगा तो मेरी चाहत को बढ़ेगा। मोर इन्फॉर्मेशन देने से देखना उसको बहुत इच्छा जागृत होती है। तो क्या करने का, और कि क्या क्या चीज है, अभी वो तो पसंद कर लिया है, बस थोड़ा सा उसको एक पुश चाहिए, खरीद लूं। वो आपसे पूछ रहा है मैं क्यों दे दूं चेक, आप बताइए। चेक देने के पीछे कम से कम 8-10 रीजन तो, एक अलग भी ऐसी चीजें बता देता हूं मैं जो उसको नॉर्मल नहीं समझ में आई है, मेरे एंगल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा था उसके बीच में वो लॉबी में, वो उतना एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा आपको, आप वहां चाहे तो ये कर सकते हैं। उसका क्या फायदा है, वहां से डायरेक्ट धूप एकदम आएगी सवेरे, ऐसी कुछ चीजें, क्योंकि पसंद कर लिया है। हर आदमी डिसीजन लेने में बहुत हम लोग डिसीजन बहुत कम लेते हैं यार, और ये इतना बड़ा पैसा है तो उसको चाहिए कोई, और वो एक ही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देते रहो, ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में बोलते रहो कि और क्या 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 फायदे हैं, फीचर्स बेनिफिट उसको बनाओ, थोड़ा प्रिपेयर कर लो, होमवर्क कर लो, और देखना गारंटी से लेगा। ठीक है, आप उसको इंफॉर्मेशन दे के खाली ऐसा पकाते नहीं रहने का, लग रहा है कि वो बंदा तैयार हो गया है,
उसके दिमाग में बैठ गया है, तो टेल हिम व्हाट टू डू नेक्स्ट, आप क्या करना चाहिए, अगली कदम नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, वो हम उसको गाइड करेंगे, हैंड होल्डिंग करके हम उसको पार करा रहे हैं नदिया, नदिया पार सजन के जाना क्या। तो मैं उसको बताऊंगा कि देखिए सर अभी आपको तो पसंद आ ही गया है, आप बोल रहे हो आपको अच्छा लगा, तो अभी क्या करना है कि हम लोग एक उसके साथ मीटिंग करेंगे जो भी सेलर है, और उनको मैं बोलूँगा डॉक्यूमेंट लेके आने के लिए आप एक चेक लेके आओ, बाकी मैं बैठा हूँ थोड़ा सा प्राइस वगैरह का और कैसे बेस्ट हो सकता है वो करना है, बाकी लोन का आप पहले से कुछ करा लिया है क्या, अप्रूवल वगैरह वो आप करा के रख लो, इसमें इतना टाइम लगेगा, तो फंड वगैरह जो भी है उसकी सारी अपनी ऐसे नेक्स्ट क्या करना है वो उसको बताना पड़ेगा कि प्रोसीजर, नहीं तो मैं बताने लगता हूँ कि अगर फाइनल हो जाता है तो मैं उसको आगे की बात सोचने दे रहा हूँ, मैं पूरे पीछे की लोगे नहीं लोगे की बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझो मेरे कम्युनिकेशन को। देन हम क्या करेंगे, एक बार हो गया जम जाता है आपको तो हम एमओयू करके देंगे, एमओयू के बाद क्या है वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपकी बैंक दे देगी, वो मैं पेपर आपको एक हफ्ते में दे दूंगा, वो पेपर दिया तो एग्रीमेंट टू सेल हो जाएगा, एग्रीमेंट टू सेल में उसके बाद सेल डीड रहेगा, लगभग इसमें 30-45 days का टाइम लगेगा, इसके अंदर अपने को एक लॉयर लगने वाला है जो ये सारे प्रोसेस में हेल्प करेगा। तो ये मैं आगे की बातें बता रहा हूँ, ये बातों में उसको लग रहा है कि घर अपना हो गया है, जब आपने बोला था ना वहाँ टीवी लगाएंगे उसका थोड़ा सा अपन ये कर लेंगे वहां पे ऐसा डाइनिंग टेबल का, मैं आगे की बात कर रहा हूं, आई एम बिल्डिंग द ड्रीम, अज्यूमिंग लाइक कि वो हो चुका है, यू आर ओनर नाउ, ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो ये मोर इन्फॉर्मेशन दो, फिर भी समझो थोड़ा बहुत फिर भी नहीं हो रहा है, मतलब कि एकदम हाँ सुना ठीक है, मैं क्या बोलूँगा सर ऐसे करते हैं एक और विजिट करते हैं, आप करा के देखो, अगर इफ ही इज एग्री टू विजिट अगेन, आप देखना 99.9% लेगा, इतना होने के बाद भी जा रहा है वो ना तो काम खलास है भाई। तो स्टेप वाइज जो बताया उसको वैसे ही फॉलो करना, फिर आप बोलोगे सर मेरा देख के गया ये फॉलोअप में वो फोन अटेंड नहीं कर रहा, भाई ऐसा ही किया क्या, हेल्पिंग वाले एटीट्यूड से बात की थी क्या, सेल्स वाली की नहीं ना, क्या बोला था वो करने का, अभी गाली बोलो कि कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप भी बोलो अभी भी नहीं हो रहा है, हिल नहीं रहा जगह पे, बोला सर ऐसा करते हैं ठीक है ना, लगता है आपको पूरा एकदम मेरी बात समझी नहीं है देखी नहीं, आप चलते हैं एक बार और देखते हैं फिर आप डिसीजन लेना, अगर जमता है तो वहाँ पे कैसा फील आता, उस दिन कुछ और इमोशनल टोका था कि यहाँ का जो ओनर था वो बंदे ने सर ये घर लिया, स्कूटी पे आया था, BMW लिया, इसके 3 गुना महंगा घर खरीद के जा रहा है, बहुत प्रॉस्पेरिटी, वेरी प्रोग्रेसिव हाउस, हर कोई वही चाहता है ना, रिलेशनशिप वाइज बहुत मस्त, ऐसे आदर्श एकदम पति पत्नी, ऐसी बातें करने का। अब मैं इमोशन, क्योंकि आदमी जो है लॉजिक पे डिसीजन नहीं लेता, इमोशन पे लेता है, स्पेशली फैमिली वगैरह के साथ बुलाओ, हस्बैंड वाइफ दोनों आ रहे हैं तो और काम बन गया, और कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं वहां पे अच्छा रहेगा, बट ज्यादा 45 मिनट से ज्यादा नहीं है सब में होना चाहिए, उसका एक ये है तो 3 घंटे हो गए ऐसा नहीं होना चाहिए, पता लगा वहां से देखा ये क्या बना है वो क्या बना है, आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया ये तो थोड़ा हल्का लग रहा है पड़ोस कुछ ठीक है, तो क्या किया एक बार और देखने के लिए उसको बोला, एंड देन फिर कुछ ऑब्जेक्शन हो सकते हैं उसके, कोशिश करो ये सारे प्रोसेस में ही सोचो ना सर इतना पुल है इतना ये है ये है ये है फर्नीचर ऐसा है फिर भी लोगों को लगता है कि महंगा है, हाँ बाकी का देखो क्या रेट चालू है, तो वो जो बोलने वाला था वो मैं आंसर कर रहा हूँ उस प्रोसेस में, एलिमिनेट कर रहा हूँ उसके ऑब्जेक्शन को उसी टाइम पे, क्या कि महंगा है ये आने वाला है, तो मैं बातों में बता रहा हूँ आपको लगता है सर महंगा है, कल ये सोफे का देखो 3 लाख का सोफा है, ये देखो फिटिंग्स इसकी टॉप ब्रांडेड सीमेंस के हैं, हिंजेस जो है जर्मन के हैं, हाँ ये वो मैं वो पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ कि मैं खुद ही पहले ही आंसर कर रहा हूँ कि महंगा है, वो बात को ही खत्म कर रहा हूँ, तो ऐसा करना रहता है ठीक है, ऐसे करोगे तो पहली चीज क्या है आपने दिमाग में रखने का कि मैं उसको हेल्प करने जा रहा हूँ, मैं सेल करने नहीं जा रहा हूँ, सेकेंड क्या करने का उसको और इन्फॉर्मेशन देने का उसके बारे में फॉलोअप में, थर्ड क्या करने का उसको बताने का अभी अगला कदम क्या है, इन्फॉर्मेशन दे दिया अभी नेक्स्ट क्या करना है तूने,
फोर्थ में क्या करने का, एक और बार दिखाने की कोशिश करने का, फिफ्थ में क्या करने का, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का, पांच चीजें को इसी सीक्वेंस में करो, आपका काम हो गया बॉस। इतना प्रूवन ट्राइड टेस्टेड बात बोलिए, पूछो मत। अभी अगर आपको ऐसा ही बहुत परफेक्ट नॉलेज चाहिए तो सनत ऐप आ गया है मेरे नाम से ही, SNAT, एंड्रॉयड पे भी एप्पल पे भी, उधर जाओ वहाँ पे पूरे इसके कोर्स है, कोर्स भी कौड़ियों के दाम में है। दाम क्यों लगाया, मुफ्त में क्यों नहीं दे दिया, क्योंकि उसको कुछ वैल्यू है, मुफ्त में है ना, इधर इधर से ही काम चला लो। क्यों वो पैसा, क्योंकि वहाँ दो लोग को एक्स्ट्रा सैलरी देना पड़ रहा है, वो कोई प्रॉफिट के लिए नहीं, नो प्रॉफिट, ब्रेक इवन। हाँ, आज तक मैंने ना यूट्यूब से पैसा कमाया है ना किसी का नाम भी लिया है क्योंकि ये प्रोडक्ट ले लो, हेलो। तो ऐसा ही है, ठीक है। तो ये अगर ये पांचों से नहीं हुआ तो सनत क्या करें, फॉलोअप खत्म नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, एक और ऑप्शन है सर, वो ऑप्शन दिखाओ और फिर ये इसको रिपीट करो। कब तक, जब तक कि वो आदमी ले नहीं लेता, जब तक कि वो खरीद नहीं लेता, या जब तक बोले सनत भाई मत कर, मेरे को अभी डिसीजन चेंज हो गया, या मेरे को ब्लॉक नहीं कर देता, या जब तक वो जिंदा है मैं करता रहूंगा 10 साल, ओके। फॉलोअप का कोई लिमिट नहीं है, एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, दो महीने, सालों साल की है, कुछ भी आया सर क्या, चल ये एक ऐसे करते रहने का, ठीक। अगर आप ऐसा करते हो, आई एम टेलिंग यू, आप रईसी देखोगे, रईसी, इतना पैसा कमाओगे। पसंद आया तो लाइक करो भैया, कमेंट करो, हम तो पूरी जान लगाते हैं, बड़ी मेहनत से बनते हैं वीडियो, अपना टाइम दे रहे हैं यार, लाइक और कमेंट तो बनता है। मिलते हैं अगले, बाय बाय, थैंक यू।